दिल्ली में प्रदूषण का खतरनाक स्तर अभी भी बना हुआ है। एयर क्वालिटी के तय मानकों से 12 गुना अधिक खराब होने को केंद्र सरकार ने गंभीर बताया है और इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे ने सोमवार को दिल्ली से सटे राज्यों के मंत्रियों की बैठक बुलाई है और दिल्ली के LG नजीब जंग ने भी मामले पर आपात बैठक बुलाई है। और इससे पहले इसी सिलसिले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। इस बैठक में केंद्र सरकार ने राज्यों को सहयोग का भरोसा दिया। स्मॉग के चलते शनिवार को दिल्ली में MCD के 17,000 स्कूल बंद रहे और धुंध के जारी होने की स्थिति में आगे भी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी स्मॉग का असर देखने को मिल रहा है। स्मॉग का सबसे ज्यादा असर सांस के मरीजों और बच्चों पर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर स्कूली बच्चों ने आंख में जलन, खांसी और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की है। स्कूल ने भी छात्रों को स्मॉग से बचने के लिए मास्क किट बांटे। ताजनगरी आगरा में भी प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। शनिवार को दिनभर धुंध छाई रही और आगरा प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक आम दिनों में प्रदूषण का आंकड़ा 2.9 PM तक रहता है, लेकिन दिवाली पर हुई आतिशबाजी से आंकड़ा 2.51 PM तक पहुंच गया है। यूपी के शामली में स्मॉग से करीब 6 ग्रामीण और एक दर्जन पशुओं की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीमार लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। स्मॉग की वजह से गांव के लोगों में दहशत का माहौल। जम्मू कश्मीर के पंचायत सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को दिल्ली के PM मोदी से मुलाकात की और 30 सदस्यों के दल ने PM को राज्य के स्कूलों में आगजनी पर जानकारी दी और जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी शामिल रहे। जम्मू कश्मीर के इस डेलीगेशन में जम्मू कश्मीर के राजौरी, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा, पूंछ और अनंतनाग के उन इलाकों के प्रतिनिधि भी थे जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जम्मू कश्मीर से आए इन लोगों ने PM मोदी से कहा कि दूसरे राज्यों की पंचायत की तरह उनके पास केंद्र सरकार से जारी की गई सारी मदद नहीं पहुंच पाती। इन प्रतिनिधियों ने PM मोदी से जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव जल्द कराने की भी मांग की और कश्मीर के कई इलाकों में जलाए जा रहे स्कूल की जानकारी भी दी। PM मोदी ने भरोसा दिलाया कि वो उनकी मांग पर खास ध्यान देंगे। साथ ही PM ने भरोसा दिलाया कि जम्मू कश्मीर की तरक्की और विकास उनका खास एजेंडा है। उनका कहा कि जम्मू कश्मीर के गांवों का विकास भी जरूरी है, जहां सबसे ज्यादा जनता रहती है। PM मोदी ने कहा कि विकास और विश्वास में जम्मू कश्मीर की तरक्की करेगी केंद्र सरकार। भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे आज भारत के दौरे पर आएंगी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का ये भारत दौरा मुख्य रूप से व्यापार और रक्षा सौदे पर फोकस रहेगा। एक बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ यूरोप के बाहर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पहल, द्विपक्षीय वार्ता होगी। ब्रिटेन में भारतीय छात्रों की समस्याओं पर भी चर्चा होगी। राज्यसभा सांसद और SL ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच बहुत ही अच्छे संबंध हैं और भारत ब्रिटेन में तीसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के इस दौरे से ये और भी मजबूत होगा। साथ ही डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट कर ये भी कहा है कि ब्रिटेन सरकार को भारतीय कंपनियों को व्यापार और रोजगार के लिए और भी सपोर्ट करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में आत्महत्या करने वाले पूर्व सैनिक रामकृष्ण ग्रेवाल को शहीद का दर्जा देने और उनके परिवार को 1 करोड़ मुआवजे के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है। PIL के मुताबिक ऐसा करने से आत्महत्या को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार ने पूर्व सैनिक को शहीद का दर्जा देते हुए 1 करोड़ देने का ऐलान किया था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि देश के 95% पूर्व सैनिकों को 1 rank 1 pension का फायदा मिल रहा है, जबकि 5% लोगों की दिक्कतों को 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। पर्रिकर ने कहा कि कुछ सैनिकों के रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है, जिनके लिए विकल्पों की तलाश की जा रही है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में शनिवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को एनकाउंटर में मार गिराया। इस दौरान सेना का एक जवान भी घायल हो गया। वसीम अहमद खांडे नाम के आतंकी के पास कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जो हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य था।
केंद्र सरकार ने जाकिर के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को अंडर प्रायर परमिशन कैटेगरी में डाल दिया है। इस कार्रवाई के बाद जाकिर के एनजीओ को विदेशी चंदा हासिल करने के लिए केंद्र सरकार की इजाजत लेनी होगी। पिछले करीब दो महीने में पेट्रोल की कीमतों में लगातार छठी बार बढ़ोतरी हुई है, जबकि तीसरी बार डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इस बार 89 पैसे प्रति लीटर बढ़कर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 67 रुपए 62 पैसे प्रति, जबकि 86 पैसे प्रति लीटर बढ़कर डीजल की कीमत 56 रुपए 41 पैसे हो गई है। छठ पर्व के तीसरे दिन आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटेगी। सोमवार को उगते सूरज को अर्घ देने के साथ छठ पर्व का समापन हो जाएगा। बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी, दिल्ली और मुंबई में बड़े पैमाने पर छठ महापर्व मनाया जा रहा है। मुंबई में आज कई जगह छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। जुहू बीच में बड़े पैमाने पर भीड़ जुट रही है। आज डूबते सूरज को दिया जाएगा अर्घ और भीड़भाड़ को देखते हुए बेस्ट आज और कल अतिरिक्त बसें भी चलाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी छठ का उत्साह है। घाटों पर आज शाम श्रद्धालुओं की होने वाली भीड़ को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छठ पूजा की तैयारियां पूरी हो गई है। खास बात यह है कि यहां छठ पूजा की तैयारियों में हिंदुओं के साथ ही मुसलमानों ने भी पूरा योगदान दिया। यूपी के कुशीनगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां एक बेबस मां को बेटे का शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लोगों की नजर बेटे के शव को लेकर घर जा रही मां पर पड़ी, जिसके बाद लोगों ने आपस में ही चंदा इकट्ठा कर टेम्पो से महिला को उसके घर भिजवाया। दिल्ली बिजली नियामक आयोग ने अध्यक्ष कृष्णा सैनी को हटाए जाने को लेकर एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच एक और विवाद छिड़ गया है। केजरीवाल ने एलजी के आदेश को रद्द करते हुए आरोप लगाया है कि ये राष्ट्रीय राजधानी में बिजली दरें बढ़ाने की साजिश का हिस्सा है। केजरीवाल सरकार ने 15 वकीलों की नियुक्ति रद्द करने वाले एलजी नजीब जंग के फैसले को खारिज कर दिया है। इस फैसले की एलजी ऑफिस की ओर से निंदा की गई। राजभवन की ओर से कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के 4 अगस्त के फैसले में एलजी को अंतिम प्रशासनिक अधिकारी बताया गया है। दिल्ली के पहाड़गंज में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 4 अब भी फरार हैं। सभी पर नाबालिग ने धोखे से होटल में बुलाकर गैंगरेप का आरोप लगाया था। पीड़ित लड़की 10वीं में पढ़ती है। एलजी नजीब जंग के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है। जेएनयू से गायब छात्र का ब्यौरा वीडियो के जरिए ट्विटर पर और न्यूज चैनल में शेयर किया जाएगा। वीडियो में तस्वीरों के अलावा फोन नंबर भी दिए जाएंगे। दिल्ली के सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम के पास एक लड़के और एक लड़की को अज्ञात शख्स ने पीछे से गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। तीनों बुरी तरह घायल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। कपल के साथ चल रहे तीसरे लड़के के मुताबिक गोली चलाने वाले को वो नहीं जानते। पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर्ड हुए लक्की और शमशेर दोनों को मिला अपना घर और कई सालों तक पैरामिलिट्री फोर्स में काम करने के बाद रिटायर हुए स्पेशल डॉग्स को गोद लेने कई लोग पहुंचे थे। जिन्हें ये खास डॉग मिले वो इन्हें पाकर खुश नजर आए। मुंबई में आज मराठा मूक मोर्चा निकाला जाएगा। चूना भट्टी से सीएसटी तक निकलने वाले इस मार्च में बड़ी संख्या में मराठा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। मराठाओं को आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव की मांग को लेकर निकाला जाएगा ये मार्च। मुंबई में रेलवे टिकटों की कालाबाजारी करने वाला एक दलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये आदमी फर्जी आईडी के साथ तत्काल टिकट निकलवाता था और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेच देता था। रेलवे पुलिस 2 हफ्ते में अब तक 3 दलालों को गिरफ्तार कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। व्यास नदी में बस के गिरने से 18 यात्रियों की मौत हो गई, 27 घायल हो गए। सरकार ने मरने वालों के परिवार को 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। असम पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन राकेश पॉल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और गुवाहाटी में कोर्ट में पेशी के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने पॉल के खिलाफ नारेबाजी की। पॉल को शुक्रवार को एंटी करप्शन विभाग ने गिरफ्तार किया था।
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को राज्य के सभी डीसी और एसएसपी के साथ बैठक की। मीटिंग में स्कूलों में आगजनी समेत कई मसलों पर चर्चा हुई। हैदराबाद में सड़क के गड्ढे में बाइक गिरने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मेन रोड पर हुए हादसे के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद आनन-फानन में प्रशासन ने गड्ढे को भरवाया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मैगी के सैंपल्स में गड़बड़ी मिलने के बाद कोर्ट ने एजेंसी पर 2 लाख, डिस्ट्रीब्यूटर पर 75,000 और दुकानदार पर 25,000 का जुर्माना लगाया। मैगी का सैंपल 26 मार्च 2016 को लिया गया था। गुजरात के वडोदरा में एक घर के कैंपस में मगरमच्छ घुसने से दहशत फैल गई। घर के गार्डन कंपाउंड में मगरमच्छ के आने की सूचना फौरन वन विभाग को दी गई, जिसे रेस्क्यू कर लिया गया है। बिहार के समस्तीपुर में सरकारी अस्पताल की बदहाली से मरीज परेशान हैं। डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में मरीज पर प्राइवेट अस्पताल में जाने को मजबूर है। अस्पताल प्रशासन ऐसे आरोपों से इनकार कर रहा है। 10 नवंबर को पंजाब के तलवंडी साबो में होने वाले सरबत खालसा की तैयारियों पर जोरों पर है। सिमरनजीत सिंह मान ने लिया जायजा और बोले, अगर पंजाब सरकार ने सरबत खालसा में हमें हिस्सा नहीं लेने दिया तो हम पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह कर लेंगे। अगले साल 4 जनवरी से शुरू होने जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के तहत 500 शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए चंडीगढ़ में की गई वर्कशॉप। उत्तर भारत के 50 शहरों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। वर्कशॉप में 73 शहरों की स्वच्छता रेटिंग करने के लिए किया गया आयोजन। चंडीगढ़ शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पुलिस वीक में स्कूली छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पर्यावरण और ट्रैफिक नियमों पर बनाई गई पेंटिंग्स को सरकारी विभागों में लगाया जाएगा, ताकि वहां आने वाले लोगों में भी जागरूकता बढ़ सके। छत्तीसगढ़ के बालोद में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टीआई प्रेमचंद साहू के समर्थन में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद विक्रम उसेंडी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। दरअसल कुछ दिन पहले बालोद थाने में थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू से मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया। बीजेपी नेता गोविंद वाधवानी पर मारपीट का आरोप लगा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भी भेज दिया गया, लेकिन घटना के 2 दिन के अंदर थाना प्रभारी से उसका प्रभार वापस ले लिया गया। इस मामले को लेकर युवा कांग्रेस ने शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। वहीं इस कार्रवाई के बाद पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं। जांजगीर चांपा जिले में एक ब्रांडेड कंपनी की मिठाई में बड़ी तादाद में फफूंदी लगी मिली। दरअसल दिवाली के मौके पर चांपा के रहने वाले सतविंदर सिंह ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों के लिए इस ब्रांडेड कंपनी की डिब्बा बंद मिठाई के 100 डब्बे खरीदे थे। जब इन मिठाइयों के डिब्बे को खोलकर देखा गया तो सभी डिब्बों में फफूंदी लगी हुई थी। गनीमत यह रही कि सतविंदर ने मिठाई के डिब्बों को बांटा नहीं था, और इसके बाद सतविंदर ने इसकी जानकारी दुकान संचालक को दी और उस दुकानदार ने इसकी शिकायत कंपनी के मैनेजर से की। वहीं ग्राहक ने मामले की शिकायत फूड एंड सेफ्टी अफसरों को दी है। रायपुर में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की ओर से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर रमन सिंह रैंप वॉक करेंगे। दरअसल सीएम कोई मॉडलिंग नहीं करने जा रहे, बल्कि सीएम खादी को प्रमोट करने के लिए रैंप वॉक करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। शहर के निजी होटल में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम में दूसरे शहरों से आए मॉडल भी खादी से बनी ड्रेसेस को प्रमोट करेंगे। कार्यक्रम का मकसद पीएम मोदी की इच्छा के मुताबिक बुनकरों को लाभ देने के लिए खादी को बढ़ावा देना है। भारतीय किसान महासंघ ने सोमवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। किसान संगठन ने सरकार से 300 रुपए बोनस और 2100 रुपए समर्थन मूल्य की मांग की है। दरअसल सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को फायदा देने का वादा किया था। किसान महासंघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पेंड्रा के ज्योतिपुर में 12 साल के एक बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। मासूम की हत्या का आरोप उसकी मामी सीमा यादव पर लगा है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भांजे को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था।
दरअसल अंशु के माता पिता के अलग होने के बाद उसके मामा राहुल जैन उसे अपने घर गौरेला ले आए थे और जिसके बाद राहुल ने सीमा यादव से शादी कर ली, लेकिन जब दोनों का बच्चा हुआ तो अंशुल को लेकर उसके मामा मामी के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा, जिसके चलते राहुल ने अपने भांजे अंशुल का एडमिशन पास के ही हॉस्टल में करा दिया, लेकिन दीपावली की छुट्टियों के बाद भी अंशुल घर पर ही था। इसी बात को लेकर शुक्रवार को भी दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद सीमा ने अपने भांजे को मौत के घाट उतार दिया। भोपाल में सीमी आतंकियों के एनकाउंटर पर राजनीति गर्म है। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने आरोप यह लगाया कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल के दौरान आतंकी पनपे। उन्होंने कहा है कि उस दौरान पूरे देश में जितनी भी आतंकी घटनाएं हुई उसके तार मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि एनकाउंटर पर सवाल उठना और आतंकियों की पैरवी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। भोपाल में स्मार्ट सिटी का निर्माण न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की तर्ज पर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी की लोकेशन पर विकास का खाका तैयार हो गया है। नॉर्थ साउथ टीटी नगर के करीब 350 एकड़ क्षेत्र को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार हो गया है। सिटी के बीचों बीच करीब 2 एकड़ का तालाब होगा। इसके आसपास सेंट्रल पार्क और 50-50 मीटर ऊंची 3 आइकॉनिक इमारतों के टावर होंगे। जानकारी के मुताबिक रोशनपुरा की ओर इसका प्रवेश द्वार होगा। करीब 40 एकड़ इलाके में 2500 सरकारी मकान बनाने से स्मार्ट सिटी की शुरुआत होगी। खबरों के मुताबिक दिसंबर से इन कामों को लेकर टेंडर जारी हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही। पहले गैलेक्सी नोट 7 और अब टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में विस्फोट ने कंपनी को मुश्किल में डाल दिया है। अमेरिका में करीब 750 शिकायतें दर्ज होने के बाद करीब 28 लाख वॉशिंग मशीन्स रिकॉल की गई हैं। ऐसा देखने में आया है कि वॉशिंग मशीन में चादर और भारी कपड़े धोते समय विस्फोट हो जाता है, जिससे हमेशा हादसे का डर बना रहता है। टॉप लोडिंग मशीन में एक फॉल्ट है जिससे कंज्यूमर्स को चोट लग सकती है, जिसे देखते हुए सैमसंग ने मार्च 2011 से नवंबर 2016 तक मैन्युफैक्चर्ड वॉशिंग मशीन वापस ले ली, जिनकी कीमत करीब 450 से $1500 मानी जा रही है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेलने के लिए भारतीय टीम शनिवार राजकोट पहुंची। दोनों देशों के बीच 9 नवंबर को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। अनुष्का के साथ कोहली ने मनाया अपना 28वां बर्थडे। कोच कुंबले के साथ सभी खिलाड़ियों ने दी बधाई। मेरठ के डीएम की अनोखी पहल, मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने की अपील और समारोह में गेंदबाज भुवनेश्वर भी हुए शामिल। यूपी के इलाहाबाद में हॉकी प्लेयर दानिश मुत्सबा ने नायला गुफरान से शादी रचाई। निकाह में चुनिंदा रिश्तेदार और करीबी दोस्त शामिल हुए। अलकायदा अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन से एक दिन पहले बड़े आतंकी हमला कर सकता है और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये हमला न्यूयॉर्क, टेक्सास और वर्जीनिया में हो सकता है। यूएस के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने लोकल अथॉरिटीज को इसकी वार्निंग दी है। 9 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले आए नए सर्वे में हिलरी क्लिंटन अपने विरोधी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकल गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, सीबीएस और वॉशिंगटन पोस्ट एबीसी के सर्वे में हिलरी और डोनाल्ड से 3% वो अंकों से आगे रही हैं। चीन में एक बंदर ने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की भविष्यवाणी की है। दक्षिण चीन के चांगसा शहर में चीनी मान्यता के मुताबिक पीली टी शर्ट पहने इस बंदर ने ट्रंप की फोटो को चुना है। इटली के कोस्ट गार्ड ने मेडिटेरियन समुद्र में डूब रही एक बोट से 130 से ज्यादा शरणार्थियों को बचाया। इस बोट में ज्यादातर उत्तरी और पूर्वी अफ्रीकी के शरणार्थी थे। इस साल अब तक मेडिटेरियन समुद्र में 4000 से ज्यादा शरणार्थियों की डूबकर मौत हो चुकी है।